नमस्कार जी सभी के लिए। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय श्री पी आर मीना जी आईएएस, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी दिल्ली श्री रमेश सर, डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री और मंच पासन सभी गेस्ट ऑफ ऑनर तहे दिल से और यहाँ पर उपस्थित आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मीमांसा एक वर्ड है, नाम से ही पता चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा जैसे हमारे लोकेश भाई ने बता दिया था, मैं भी थोड़ा सा प्रकाश देना चाहता हूँ कि मीमांसा एक गौतम बुद्ध से रिलेटेड नाम दिया गया है। जैसे कि गौतम बुद्ध हर सुविधाओं से संपन्न थे और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के और एक बौद्ध धर्म में बहुत कुछ किया और मतलब एक ऐसा जीवन यापन किया कि सभी विदित हैं और वो सब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि गौतम बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं। मीमांसा का मतलब एक ऐसा मतलब कि बहुत गहन अध्ययन के बाद सोच विचार कर एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाला जा सके जिससे कि हम एक एक मुकाम को हासिल कर सके। और जैसे कि यहाँ पे इस मीमांसा को हम आगे सबके सामने लेते आ रहे हैं, सोशल वर्क में पहले से करता था लेकिन यहाँ दिल्ली में सोशल वर्क करने के लिए सोनाली मैम का ये आइडिया था, सोनाली मैम का एक विचार था और उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इसमें अपना पूरा सहयोग दिया और आज उनके सहयोग से, उनकी मदद से, उनकी सोच से ये यहाँ तक पहुँच पाया है। उसके साथ साथ मैंने जैसे ये किया, जो गरीब रेखा से नीचे के लोग हैं हम उनको निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं तत्पर, और जैसे कि और जो अगर सक्षम है तो हम उनसे कुछ पे बहुत कम फीस में ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते थे कि अभी हम इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों से मैंने कहा कि सर प्लीज़ आप आइएगा, जिनसे मैं व्यक्तिगत जानता था, तो बोले यार नहीं अभी टाइम नहीं है, जबकि वो बैठ सकते थे और कहा आएंगे और फिर आते कहा कह रहे कोई नहीं मैं आ रहा था लौट गया। तो एक्चुअली उनके लिए मैंने एक चार लाइन लिखी थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस मिशन को जो मतलब नकारात्मक सोच सके उनको कुछ चार लाइन मैंने लिखी थी कि मेरी खामोशियाँ वो जो समझे नहीं, हाल दिल का वो क्या समझ पाएंगे, सुन के हाल हमारा जो वो पिघले नहीं, घाव दिल के भला वो क्या भर पाएंगे। जैसा कि मीमांसा में हमारी जो फैकल्टी हैं हायर एजुकेटेड हैं, सभी बहुत बहुत सामने से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आपको पूरा वातानुकूलित माहौल है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब है और एयर कंडीशन आपका क्लासरूम है। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जो यहाँ पढ़ना चाहें, जो यहाँ से कुछ एजुकेशन लेना चाहें, हमारी टीम पूरी तत्पर उनके लिए तैयार है, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए। एक्चुअली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मीमांसा इंस्टीट्यूट खोलने की, तो मैं एक बता देना चाहता हूँ कि जब हम 12th के बाद आते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और हमारे जो माता पिता होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में डाला जाए। तो वहाँ पे हम ऐसे एडमिशन कोर्सों में ले लेते हैं जिनका कोई आगे चल के औचित्य नहीं होता और हम बहक जाते हैं, डिग्रियाँ होती हैं पर उनका कोई यूज नहीं होता। आज मैं आपको बता दूं कि इतनी मैक्सिमम 60-70% ऐसे एजुकेशन में होते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन अगर जॉब की बात करें तो वो कुछ करने की जो उनकी क्वालिटी है वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट था उस टैलेंट का यूज ही नहीं हुआ। और यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने उसको निखारने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम लोग उनको पैरों को छूते रहे, उनको सम्मान देते रहे, उनको अपना किया, लेकिन कुछ लोग बहुत लोगों ने इतना साथ दिया वो किया, अगर शायद कि जो आगे बढ़ गए उन्होंने अपना बना कर दिया, लेकिन जो हमारे भाई, जो सगे भाई, चाचा के भाई, गांव के भाई, उनको कभी वो साथ लेके ही नहीं चले। तो अगर एक बंदा दूसरे को अगर साथ लेके चले तो शायद हमें किसी भी तरह की इस तरह के प्रोग्राम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। हम खुद अपना विकास तो कर लेते लेकिन दूसरे को छोड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम डेवलप हो रहे हैं तो हमको हमारे गांव में जो भाई छूट गए हमको उनको साथ लेना चाहिए, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए और हमें उन्हें अच्छे से अच्छे शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। फिर एक सोच आया कि फाइंडिंग हिडन एम टैलेंट, हम एक फाइंडिंग हिडन एम टैलेंट की एक खोज करते हैं और उसके तहत एक एग्जाम करेंगे और उस एग्जाम में जैसे कि प्राइज था, फर्स्ट प्राइज 11,000 और सेकेंड प्राइज आपका 5,000 और
थर्ड प्राइज 2000 रुपये था। तो उस टैलेंट के बाद फिर हमको कैसे करना चाहिए, एक हमने सेमिनार रखा था और कुछ एक्सपर्ट जो कि किसी कारण से आने पर वे टू एचीव कैरियर।